तू नू हस्तियां दौड़े लगा रही है। ओए रुक जा, अपनी शादी में मजा नहीं आता जितना आज हमें मजा। अल्लाह खाना नहीं लगे। सबसे बड़ा दुश्मन पता कौन है? कौन? मच्छर। रात का वक्त है इस वक्त और मैं अभी गई थी काम से, अभी वापस आई और सर में ऐसे को कोई बुरी तरह मेरे सर पे ना जैसे किसी ने ना बहुत बुरी तरीके से हथौड़े मारे हैं, हथौड़े। अच्छा बहुत से लोग मुझे मैसेज करके भी पूछ रहे हैं, एक रापी आप तोतली हैं या आप तोतली हो गई हैं। एक्चुअली मैं तोतली नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन जब मैं किसी स्ट्रेस में या किसी प्रेशर में होती हूँ या मैं बहुत तेज बोल रही होती हूँ ना तो मेरी जुबान में फंबल आ जाता है जो कि नेचुरल है और जो हमेशा से आता है। मैं जानबूझ के नहीं बोलती। अगर मैं किसी, आप लोगों को लग रहा हो कि मेरी जुबान किसी तरह से कोई मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा तो इट्स मीन के मेरे जुबान में भी फंबल आ रहा। इसका मतलब है कि मैं बीमार हूँ। हाँ, इट्स मीन कि आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल वैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। आप लोग सोचे होंगे कि आज रात के वक्त तुमने वॉक क्यों शुरू कर दी, ओहो मतलब व्लॉग क्यों शुरू कर दिया, ओहो मतलब हाँ वॉक भी शुरू कर दी। तो रात के टाइम हम लोग सोसाइटी में वॉक करते हैं और व्लॉग मैंने सोचा कि आज आपको जरा ये दिखाऊं आज का दिन कैसा चलता है, क्योंकि सारी बहनें आज मेरी पूरा दिन सोई हुई थी, मुझे बस कहीं जाना था, मैं वहां से होके आई हूँ तो बस मेरा सर ही खत्म हो गया। लेकिन मैंने कहा मेरा और आपका साथ तो यू नो 24/7 का है, मतलब एस्ट्रोलॉजी के साथ। ये देखो कितनी है, ये मुझे लेके आई है और अभी उधर दौड़े लगा रही है यार, मुझे दिख भी नहीं रही है। ये दोनों हस्तियां दौड़े लगा रही हैं और मुझे दौड़े लगाते हुए इनके पास पहुंचना है कि ना पता लगे मैं भी गिरी हुई हूँ। ओए रुक जाओ, ओए रुक जाओ, रुक जाओ, मम्मी मीट माई मॉम। रुक नहीं रही है बिल्कुल भी, वॉक में रुकते नहीं। अच्छा मम्मी के कदम देखें, ये मेरी मम्मा जूते पहनते हैं। लोग पूछते हैं आपकी अम्मा के स्मार्ट होने का राज क्या है, तो भाई मेरी अम्मा के स्मार्ट होने का राज ये वॉक है, इतनी फास्ट टिकम टिकम। मैं तो भाई स्लो हो गई हूँ लेकिन ये हस्तियाँ ये तो कुछ ज्यादा ही फास्ट हस्ती है, ये गैस करें कौन है। अम्मी मेरी तो गैस हो गई है ना, अम्मी तो एक राउंड लगा के भी आ गई। बचपन में ना सुबह की सैर के बारे में सुना था, ठीक है, ये नाइट सैर की मुझे समझ नहीं आती, मुझे ये लोग जबरदस्ती उठा के लाए, हम लोग वॉक करने के लिए जा रहे हैं तो तुम आ जाओ, मैं कहा चलो सही है चलते हैं, जरा देखते हैं क्या शोल मेला होता है ये वॉक का। लेकिन ये वॉक का कोई हिसाब समझ नहीं आ रहा, ये मॉर्निंग वॉक बेटा मॉर्निंग वॉक ही होती है क्योंकि आपकी ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जा रही होती है, नाइट वॉक का कोई स्केड्यूल नहीं है। हाँ ना रात में लोग नहीं होते, अब वो सब फिर आगे निकल गया, मुझे फिर पहुँचना है आगे तक, मैं थक गई हूँ एक चक्कर लगा के। इधर देखें जरा मेरी बहन वॉक करने निकली थी, हो रही है शादी और हम लोग क्या करने जा रहे हैं वहाँ पे, और हीरा को लगी है बहुत ज्यादा भूख, खाना मैंने खा लिया है, हम देखने जा रहे हैं अंदर, चस्का लेने जा रहे हैं अंदर, हो क्या रहा है, अस्तग़फ़िरुल्लाह, बड़ी बुरी बात है, तौबा तौबा अस्तग़फ़ार। लेकिन मैं क्या करूंगी, मैंने तो ना मास्क पहना है ना मैंने मुंह कवर किया, लोगों ने मुझे लोगों ने कहना दी बेस्ट लग रही इधर घूम रही है शादी, बाजी में आपकी काम वाली, हमने वॉक करते करते शादी को एंजॉय करते जा। चलो अब देखो बेगानी शादी में सही में अगर आप लोगों ने देखना ना अब्दुल्ला दीवाना सुगरा बीबी जा रही बाजी, तो तुम मैं ना रख लो बाजी, बाजी थोड़ा खाना ही खुआ दो शादी तो, आज से मैंने ऐसे बोला नहीं। ओके बाजी हूँ तो तू रिएक्शन नहीं लवेंगी ना। बाजी को देखें, बाजी का ट्राउजर और है, बाजी की कमीज और है, बाजी का दुपट्टा और खुली है, बाजी बाजी की जूती और है, ए बाजी सही है साले तेरा बिरा कितने है, बाजी ऐसे एस्ट्रोलॉजी वाले है साडा कोई बरा नहीं है, तू दा मुंह दा बंदोबस्त नहीं कीता पर खुदा दा वास्ते मैनू तुमने मुंह ढका हुआ, मैंने नहीं ढका हुआ, ठीक है ना यार, ये मुझे पता नहीं ये लड़की मरवाई नहीं नहीं मैं तो मैं दिखाती हूँ, वो देखो वो देखो कबाब ये देखो पागल होगी शादी वाले घर में, जा हीरा उनसे कहो कि दो बोटियां दे दे जल्दी कहो, अंदर रोटी खोल गई मैं लेट हो गई। ब्लॉग बनाते हुए अल्लाह।
व्लॉग ही बना रहे थे सारी, हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे। इनकी शादी थी, शादी की आवाज़ है ना ये राधे लग गई, बिल्कुल राधे शरीफ पर्दा करना शुरू हो गई है। फाइनली हमें शादी में मिल गई है एंट्री, आपको मैं यहीं से दिखा देती हूँ कि क्या हो रहा है। बाजी मैं तेरी कम मान ओके गाइस, तो यहाँ पे आप ही पकड़ी गई है, मैं मुंह छुपा के भाग रही हूँ, बच्चे पहचानने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन एक मिनट रुकिएगा आप, मैं ना अंदर जाऊंगी मिसेस से बुलाऊंगा। अच्छा वो कह रहे रुकिएगा, ऐसे नहीं मैं मिल रही किसी से गाइस, ऐसे नहीं मिल रही। अम्मा भी पकड़ी गई मैं इनकी काम वाली काम वाली हूँ इनकी जी फातिमा हूँ फातिमा सबको लग रहा दिखाओ बाजी इज्जत रख ले मैंने तो एक्सपेरिमेंट किया। हाय अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप? पूरी व्लॉग में ले इसको भी ले लिया भाई, ये मेहंदी बड़े प्यारे कपड़े पहने हुए आपने, क्यूटी पाए छोटे छोटे इतने प्यारे प्यारे कपड़े पहने हुए सबने, ये देखो ये कोई शबाला लग रहा है। हाय हाय कर दो सारे, हेलो 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 हेलो। ये कौन है? अब्दुल हादी। अब्दुल हादी भी यार हिना तेरे साथ तो ठीक भी है। चलाकी तुम्हारी फातिमा, अब मुंह कर नीचे करते कहती किसी की शादी कहती मैं काम वाली मंदिर जाती हूँ, देखती मेन्यू में क्या है, मेन्यू में खाना क्या है। तुम धीरा बस कर दो, हुलिया छोड़ो तुम अपना। एक और मेहंदी की बच्ची आई है छोटी सी, बच्चों के बस मैं आपको कपड़े दिखा रही हूँ, यहाँ पे भी देखो ये कितनी क्यूटी लग रही है। ठीक है आपका नाम क्या है? ओए इसका लाइनर तो मैं कहती हूँ प्रो मैक्स है, प्रो मैक्स लाइनर लगाया यार हम लोग, इतना बस कर दो उतार दो। खैर शादी में आई और पकड़ी गई। अच्छा जी ये माँ जी हैं एक, अस्सलाम वालेकुम, चलो इनसे भी ये मेरी काम वाली है। ठीक है आंटी कौन सा बच्चा पागल है? ये बच्चा कुछ ला रहा सर नहीं गिन आ रहा, चलो अब मैं काटूंगी इसको। फिराक को भी कबूल है, मिल गया मुझे, मुझे मिल गया कबूल है, ये मैं ले लूं, थैंक यू। ये भी एक और ओके, जस्ट मैरिड, ओ मेरी अभी शादी नहीं हुई, मेरी होनी है। ये आपके फियांसी के लिए, ये मेरे फियांसी के लिए, अजीत साहब ये आपके लिए। ठीक है वाली बच्ची मिला, ये मिल गया। यार सामने कहीं जा रही, खाना नहीं मिला पत्ते में। नहीं नहीं हम लोग खाना शाना खा के हमसे बॉक पे हजम करने निकले, इतनी प्यारी परियां हैं ना, थैंक यू सो मच। पिज्जा ड्यू है आपका, डन, फर्स्ट टाइम आए हैं आप, देख लो डन डन डन। ये अब अपना फोन लेके आ गए, बाय काम वाली भाई, बाय बाय। बड़ा मजा आया, अपनी शादी में मजा नहीं आता जितना आज हमें मजा आया, खाना नहीं लगे बदतमीज वो पूछ रहे थे बार बार के, राबिया हो फातिमा हो, मैं कहा हाँ हाँ हीरा ने कहा था मैं हीरा नहीं हूँ, फिर भी तुम्हें अपना घूंघट खोलना पड़ गया ब्रो, कहती आवाज से नहीं लग रही, आवाज से हीरा, आवाज सबकी सेम है ना इसी वजह से भूख लगी। ओए अल्लाह, इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट, ठीक है ये सारा कुछ कर देना क्योंकि ये बड़ा मजे का, मजा आया आज मुझे, लिटरली मजा आया। मेरी माँ को मिल गया किसी का गार्डन, और ये लड़की अब काम वाली वॉक पे निकल गई है, ये बहुत वॉक करती है, हाई थक गई, तो कई रिजल्ट मिला है कि लोगों ने कहा मैं स्मार्ट, हीरा बदतमीजी ना करो, नहीं पता लगा आगे से कहीं से कुत्ते निकला, अभी शादी से तुम हो के आई हो तुम्हारे। कहते हैं ऐसे करो तो भाग जाते हैं डॉगी, ये हमारी काम वाली, प्लीज इसको ले जाओ, नहीं इसको मैंने एक दफा खाना खिलाया था, मुझे काटेगा नहीं। अरे आ गया वो, देखो वो बैठा फातिमा, हीरा हुई उसकी दो बहने निकले, पीछे तीन कुत्ते पीछे और भी है, क्यूट कुत्ता, कैन आई कम टुवर्ड्स यू, अच्छा बोकना नहीं, चलो वापस गाइस, फिर डर लग रहा है। यहाँ पे हमें एक नीम मिल गया, नीम का दरख्त था, और इधर कुछ वो देखो टल्ली है, खिड़का ना ये टल्ली नहीं, वो देखो आगे भी, आगे भी वो देखो, डोर बेल्स हैं, अच्छा बेल्स लगी हुई, नहीं वैसे इस टाइम मम्मा दरख्त के गिर्द ना साया होता है,
ये नहीं बज रही। हाँ लेकिन ये बज रही है डोरबेल, ये अच्छी लग रही। अच्छा है भाई, अच्छा है दरख्त। चलो अब जा रहे हैं हम वापस। हीरा तुम ना कुत्तों को आवाज है तो चलो घर। मेरी मम्मा कह रही है कि गाइस ये जाके ना किसी को उनको दिखाओ कि किसी ने अपने लॉन में ना ये पूरा ये रखा। कितना लोग सी जाते हैं बर्तनों से। हाँ ऐसे हम लोगों ने अपने घर के बाहर रखे थे, वो चोरी हो गए थे ऐसे बगले। ये है ठीक है, ये आप निकाल के लेके जा सकते हो ठीक है, लेकिन हम नहीं निकाल रहे, हमने वापस रख दिया गाइस। चलो वापस मम्मा, चलो चलो। हाँ सदके इसको भूख लगी होगी। नहीं नहीं मैं पागल हूँ, डांटू छोटा पापी आ जाओ खाना खाना। तो आ जाओ आ रहे हैं बेचारे। हाय अल्लाह कितनी भूख लगी होती है इस वक्त। अब इस वक्त मैं उसकी तब लाइट नहीं कर सकती, पता लगे मेरे कैमरे पे पड़ गया। मिल गया तुम्हें कुत्ता। चले अब हम खाना देने लगे उनको। और मुझे भी भूख लगी है यार बहुत ज्यादा। देखो ये जो मानो प्रो मैक्स है ना, मानो प्रो मैक्स यहाँ पे। तुम्हें पता अभी हम कहाँ गए थे, हम शादी से होके आए हैं। हाँ जी है, गली में शादी हो रही थी राबिया। अभी हम एक शादी में गए थे, मैं कह रही तो खाना भी खाना था, मेले भी ले आना। और आज से मेरा सबसे बड़ा दुश्मन पता कौन है? कौन? मच्छर। मच्छर हूँ मैं, वही मेरा नाम, साथी है मेरे और घर कूड़ादान। अभी लड़की बैठ के कोई असाइनमेंट बना रही है गाइस, मैं आपको इसकी राइटिंग दिखा दूँ कितनी बुरी इसकी राइटिंग। नो जी ये अच्छी है, बहुत प्यारी राइटिंग है मेरी बहन की। देखें कटकटिया करके लिखी है। ओफ ओफ ओफ, अब ये पढ़ाई कर रही है, अपनी असाइनमेंट कर रही है, वो एज यूजुअल मूवी देख रही है। रात को मॉस्किटोज ने क्या किया, ऊपर ऊपर आ रहे थे, ये कहती मैं रोने लग गई थी, इतना तंग किया मॉस्किटोज ने। से राबे तुम वाकई रोई हो मच्छरों की वजह से? मैं ना ऐसे उस काम के लिए चेंजिंग कर रहा था, मैंने ऊपर कंबल ले लिया। हाँ फिर भी चेंजिंग के बाद मैंने देखा मैंने बिल्कुल सामने ऐसे रोना। एकदम मुझे मच्छरों की समझ नहीं आती कि इनको पता कैसे चलता कि यहाँ हमारा कान है। फाइनली मेरी इस वक्त की चाय आ गई है और साथ में बिस्किट, क्योंकि अभी मेरा सर बुरी तरह फट जाएगा। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने ना यहाँ पर पैरामीटर फिक्स किया, टिंग 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 टिंग। मेरी और मेरी मॉम की चाय है, तो अभी मैं और मेरी मॉम वॉक करके आए और अब हम पियेंगे चाय। अच्छा मेरी प्यारी मॉम देखो कितनी क्यूट लग रही है। चलो जी अब चलते हैं ऊपर, क्योंकि मेरा सर क्या खत्म, लेकिन बेहतर हो गया पहले से क्योंकि चाय पी लिया मैंने। अब मेरा वक्त है सोने का और इंशाल्लाह आप लोग से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।